तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ बिल्कुल से एक न्यू वीडियो लेके। बट आज का जो वीडियो है दोस्तों, सभी वीडियो से बिल्कुल से डिफरेंट होने वाली है। बिकॉज दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक घटिया स्कैम के बारे में बताऊंगा, जो कि दोस्तों रिसेंटली कल ही मेरे साथ एक जियो केयर स्टोर में मेरे साथ एक बहुत ही घटिया स्कैम हुआ है। उसी स्कैम के बारे में पूरा मैं आपको एक्सपीरियंस दूंगा, एक्सपीरियंस बताऊंगा किस तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। एंड एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2-3 मिनट की वीडियो आप इसे अच्छे से देख ले, ताकि आज अगर मेरे साथ ये स्कैम हुआ, अगर आप इस स्कैम के बारे में पहले से अवेयर रहोगे तो आपके साथ इस तरह का स्कैम नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 2-3 मिनट का वीडियो है, आप अच्छी तरह से वीडियो को देख लो तो आपको समझ आ जाएगी किस टाइप का ये स्कैम है। तो इस स्कैम को समझने के लिए उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको मेरा स्टोरी समझना पड़ेगा, आखिर मेरे साथ हुआ क्या। दोस्तों आज से एक मंथ पहले मेरा एक जियो का सिम था जो कि खो गया था, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, उस दौरान मेरा सिम खो चुका था। तो फिर रिसेंटली कल ही मैं गया था उसी सिम को अपने निकालने के लिए, फिर उस सिम का डुप्लीकेट निकालने के लिए कि भाई मेरा सिम ऐसे से खो गया। मैंने बताया कि ऐसे से मेरा सिम सर खो चुका है, तो मैं फिर से एक डुप्लीकेट सिम लेना चाहता। तो उन्होंने मेरा नंबर पूछा है, नंबर एंटर किया, तो वो बताते हैं कि आपका जो सिम है ये डीएक्टिवेट हो चुका है। तो मैंने बोला ठीक है, डीएक्टिवेट हो चुका है, बट क्या प्रोसेस है, अब मैं फिर से इसे डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं कि डीएक्टिवेट कराने के लिए आपको टोटल 625 रुपीज़ लगेगी, 599 रुपीज़ की आपको एक VPN लेने पड़ेगी, बॉडीगार्ड VPN कुछ था, इसी तरह का कुछ VPN था, वो आपको लेना पड़ेगा। एंड साथ ही 25 रुपीज़ आपको पे करना है जो भी डुप्लीकेट आप न्यू सिम ले रहे हो उसके लिए। तो मेरे पास उतना एक्सपीरियंस है, मुझे इस बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, मुझे लगा शायद हो सकता है इसी तरह का कुछ प्रोसेस होगा, अगर मेरा सिम खो गया फिर से उसी सिम को निकालने के लिए कुछ इस तरह का प्रोसेस हो सकता है। बोले ठीक है, फिर मैं दोस्तों उसे 625 रुपया पे करके घर आ गया। तो घर आया, मैंने अपने दोस्त से ये एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया कि ऐसे ऐसे भाई मेरा सिम जो था वो खो गया था, फिर मैं उसे रीएक्टिवेट कराने गया। तो उसने पूछा कितना पैसा लिया, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे टोटल 625 रुपीज़ लिया गया। तो बोला भाई इतना तो कोई चार्ज नहीं लेता, ये तो कोई नियम ही नहीं, यहाँ पे आप तुमको 25 रुपीज़ ओनली लगेगा अगर तुम्हारा सिम खो गया है, उसे फिर से तुम कॉपी सिम निकालना चाहते हो तो बस आपको वहाँ पे 25 रुपीज़ ही लगनी है। तो मैं बोला, तो मेरे मन में वहाँ पे एक शक आ गया, भाई ये तो सच बोले, लेकिन कुछ ज़्यादा, यहाँ मुझे भी पहले से शक था कि भाई इतना ज़्यादा पैसा, तो मुझे इस बारे में जानकारी नहीं था कि ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होता है। तो मैंने तो भाई मुझे तो सिम से मतलब था, मैं वहाँ से सिम लेके आ गया। तो फिर जैसे मेरे दोस्त ने ये सब बातें बताया, तो उसी समय मैं जियो केयर को फ़ोन लगाया एंड मैंने अपना सारा प्रॉब्लम बताया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये बिल्कुल से गलत है, आपको यहाँ पे ओनली 25 रुपीज़ ही पे करनी है अगर आपको डुप्लीकेट सिम लेनी है, जो भी सिम आपका खो चुका है तो अगर फिर से आप उसे लेना चाहते हो उसी नंबर को, तो आपको 25 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा। तो मैं बोला कि ठीक है, तो मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला कि ठीक है, अब जाइए वहाँ पे जियो जो भी स्टोर से आपने यहाँ पे सिम को रीएक्टिवेट किया, मतलब जो भी डुप्लीकेट सिम आपने जो भी जियो के स्टोर से लिया वहाँ पे जाइए और बात कराइए। तो मैं वहाँ गया, तो ऐसे ऐसे मैंने उन्होंने बात कराया। तो हुआ क्या उस समय, भी एक बात बताता हूँ, हुआ क्या उस समय मैंने कॉल लगाया तो उन दोनों को मैंने डायरेक्टली बात कराया, तो हुआ क्या उधर से कॉल कट गया, पता नहीं किस कारण से उधर से कॉल कट गया। तो मैंने बताया कि सर आपने देखा यहाँ पे बोलता है ओनली 25 रुपीज़, तो वो बोलते हैं कि भाई मैं यहाँ पे इतना साल से काम कर रहा, मुझे ना पता है क्या करना है, वो तो जो जिस जियो केयर वाले से तुम बात कर रहे हो वो बस कंप्यूटर पे जो लिखा रहता है वो मुझे बोलता है। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा कैसे, वो भी तो भाई आप ही की तरह एक कस्टमर केयर है, तो आप भी जिस तरह से उसी तरह से वो भी है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो उन्होंने बोला नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, आपको मैंने पहले ही बोला था। तो उस समय हुआ क्या, जब मैं गया तो फिर बोला कि नहीं हो सकता, यही प्रोसेस है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो अभी जा रहा हूँ, बट मैं अभी आगे इसके बारे में रिसर्च करता हूँ क्या कुछ किस तरह से, क्या ये सच है, क्या आपको लेना ही पड़ेगा। तो मैं घर आके फिर अच्छे से रिसर्च करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि नहीं ओनली 25 रुपीज़ ही पे करना है। तो मैं तो समझ गया कि भाई यहाँ मेरे साथ एक स्कैम हो चुका है। तो फिर मैंने क्या किया, ट्विटर पर मैंने जियो केयर वालों को, जियो रिलायंस को टैग करके फिर अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने अपना प्रॉब्लम बताया। तो वो भी वहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हो वो बोल रहे हैं कि नहीं आपको ओनली 25 रुपीज़ ही पे करनी है, बस उस जो नए सिम डुप्लीकेट सिम ले रहे हो बस उसके लिए आपको यहाँ पे 25 रुपीज़ पे करना है। तो मैंने बोला कि भाई आप क्या करूँ। तो वो बताते हैं कि ठीक है, आप जो भी स्टोर से लिए उसका लोकेशन, उसका एड्रेस दो। तो मैंने जो भी बिल वगैरह मैंने सब यहाँ पे उनको ट्विटर पे यहाँ पे मैसेज कर दिया, वहाँ पे लोकेशन भी बता दिया, जो भी दुकान का लोकेशन था वो सारा कुछ मैंने बता दिया। तो वो बोलते हैं कि मैं जल्दी कोशिश करूँगा आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप जैसे भी कर सकते हो जल्दी से मेरा यह प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो जो भी चीज़ हुआ यही अभी तक मेरे साथ हुआ है, एंड आई होप कि फ्यूचर में दोस्तों मेरे साथ जो ये चीज़ हुआ है वो आपके साथ नहीं हो, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि आपके साथ किस तरह का ये जो VPN वगैरह लेने का ये ऐसा कोई भाई नियम रूल नहीं है। होता क्या एक्चुअली,
जो भी जियो केयर स्टोर है वहाँ से दोस्तों वीपीएन वाले कंसल्ट करके रखते हैं कि भाई तुम मेरा वीपीएन बेचो, मैं तुम्हें परसेंटेज दूंगा, मतलब इसी टाइप का कुछ वहाँ पे पैचअप रहता है उन लोगों का। तो वहाँ पे दोस्तों जो भी अवेयर नहीं रहते हैं इस चीज़ से, तो उन्हें वहाँ पे चुपचाप चिपका के हटा दिया जाता है। तो भाई मुझे फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था, आज तक मैं इस तरह से कभी मुझे इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आया। तो पहली बात मैं गया तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था इस बारे में, तो मुझे यहाँ पे 625 ले लिया। बट आई होप कि आप अवेयर हो चुके होंगे इस घटना से। अगर आपके साथ भी इस तरह का कभी एक स्कैम हो तो आप आसानी से बच सकते हो। एंड अभी जो मैंने ट्वीट किया था तो उन्होंने तो बोला है तो मैं जल्दी से आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगा। सो आई होप कि देखिए जितना जल्द हो सके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या फिर नहीं, वो तो आप आगे पता चलेगा। एंड दोस्तों अगर जो भी वहां से एक्शन आती है, कुछ भी अगर रिप्लाई वगैरह आती है, तो मैं आपको यहां पे ट्विटर पे अपडेट देते रहूंगा। अगर आप मुझसे ट्विटर पे नहीं जुड़े हुए तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ट्विटर का, तो वहां से आप मुझे ट्विटर से जुड़े रह सकते हो। एंड जो भी अपडेट वगैरह आएगा वो मैं आपको देता रहूंगा। एंड साथ ही दोस्तों अगर आपके साथ इस तरह का कभी एक्सपीरियंस हुआ, अगर इस तरह का स्कैम आपके साथ हुआ, तो मुझे कमेंट में आप जरूर बताना।